हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं संविधान के 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो वो सारे प्रश्न एक इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, बट एक शर्त रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। 40 में से आप कितने सही कर पाते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि दूसरे बच्चों तक भी पहुँच सके। और देखिए, अगर आप चाहते हैं लगातार आपको इस तरीके के ऑनलाइन टेस्ट मिलते रहें तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 5 से 6 सेकंड, तो आप जो भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो के एंड में 40 में से आपने कितने सही करे वो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल सही, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पीटर्स इंडिया एक्ट कब आया? बिल्कुल सही, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, किस कानून के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? बिल्कुल सही, अगर आप यहां पे ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? बिल्कुल सही, अगर आप यहां पे 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, गवर्नर जनरल की परिषद में किस प्रथम भारतीय की नियुक्ति की गई थी? तो 5वें का राइट आंसर यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नगरीय स्वशासन से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। बिल्कुल सही, यहां पे 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली किस कानून के अंतर्गत लागू की गई? तो यहां पे 7वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे 8वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायतों से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? बिल्कुल सही, यहाँ पे 9वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप साथ ही साथ प्लीज कमेंट करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर आपसे आते होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, संघीय न्यायालय एवं संघीय बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत की संविधान सभा का निर्माण निम्न में से किसके तहत किया गया था? तो 11वें का राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को गठित हुई, इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन और चर्चित क्वेश्चन है।
बिल्कुल सही, यहाँ पे 12वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, 12वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के सलाहकार पद पर किसे चुना गया? देखिए बिल्कुल सही है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो मतलब हम ज्यादा पढ़ते नहीं हैं। 13 का राइट आंसर यहां पे हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? ठीक है, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहां से हुआ था? तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही, अगर आप यहां पे ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो यहां पे 15 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मत अधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा में कितनी समितियों का गठन हुआ? तो 17 का राइट आंसर यहां पे बिल्कुल सही है, अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मूल भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? तो बिल्कुल सही है, 18 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19, सिक्किम को भारत संघ में कौन से राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो 19वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही, अगर आप यहां पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रूस से किन संवैधानिक प्रावधानों को लिया गया है? तो 20 का यहां पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए हो जाएगा। 21, फ्रांस से भारतीय संविधान में किन किन प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो 21 का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, हां बिल्कुल सही है, अगर आप यहां पे ऑप्शन डी लगा रहे तो वेरी गुड, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से शामिल प्रावधान है? बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका ए भी है, ठीक है, बी भी है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए आधे से ज्यादा टेस्ट आपका हो चुका है, तो प्लीज इसी बात पे एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का संविधान भारत को क्या घोषित करता है? बिल्कुल सही, अगर आप यहां पे 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी लगा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत संविधान में ये देखिए यहां पे गलत हो गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ये यहां पे होगा, ठीक है, तो बिल्कुल सही, यहां पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है, जो अपना प्रिम्बल है उसमें, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976। 25, भारतीय संविधान की
प्रस्तावना को किसने राजनीतिक कुंडली कहा? तो 25 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी भी एक किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए, ए बिल्कुल सही आंसर है। 26 भारत का लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑप्शन 26 का सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 42वां जो अमेंडमेंट एक्ट है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1972, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, किस संशोधन के अंतर्गत भाषीय आधार पर राज्यों का पुन गठन किया गया? क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट 28 है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो बिल्कुल सही है, सभी को पता है ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, फजल अली आयोग के सदस्य निम्न में से कौन थे? ट्वेंटी नाइन का राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही जा रहा है, अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो ये सभी सदस्य थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, पहला संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो 30वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 2000 में कितने राज्य अस्तित्व में आए? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के 29वें राज्य का नाम क्या है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, गौरवपूर्ण अपराध अधिनियम 1971 किससे संबंधित है? तो 33 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किए गए? 34, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय मूल अधिकारों का वर्ण किन अनुच्छेदों में है? भारतीय मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेदों में है? तो आपका 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 12 से 35 तक के अनुच्छेदों में। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्ष 1976 में 1976 में कितने मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? तो बिल्कुल सही, यहां पे 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 37 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 39 अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो यहां पे 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य किन मुद्दों के कारण प्रतिबंध लगा सकता है? क्वेश्चन नंबर 39 बिल्कुल सही, अगर आप यहां पे ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, किन मौलिक अधिकारों को किसी भी विशेष स्थिति में निलंबित किया जा सकता है? तो बिल्कुल यहां पे 40 का राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए यहां पे अनुच्छेद 20 और 21 को, ठीक है, किन मौलिक अधिकारों को किसी भी विशेष स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, तो यहां पे ये अनुच्छेद 20 और 21 को लंबित किया जा सकता है। देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 40 में मुझे कुछ डाउट लग रहा है, मिसप्रिंट है यहां पे, आई थिंक यहां पे ये होगा कि निलंबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 41 जो है इसको निलंबित नहीं किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आर्टिकल 21 जो है इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, और आई थिंक 20 को भी सस्पेंड नहीं किया जाता, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मैं आपको क्लियर करके नेक्स्ट वीडियो में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, या फिर अगर आपको पता है तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि दूसरे बच्चे भी देख सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। वर्ष 2012 में उच्चतम न्यायालय ने किस अधिकार को जीवन जीने का अधिकार में शामिल किया है? तो यहाँ पे देखिए 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 40 शिक्षा का अधिकार 21 ए में जोड़ा गया था, जिसमें 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा एजुकेशन लेने का अधिकार था। ठीक है, तो आई थिंक यही होगा। तो अगर इसमें भी कोई आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बोम्बई बनाम भारत संघवाद किस मूल से मूल अधिकार से संबंधित है? तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 43, संविधान का हृदय तथा आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो ये भी काफी अच्छा और रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का टेस्ट भी आपको पसंद आया होगा, और ये इसके आंसर रहे, इसकी पीडीएफ आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम पे आपको जाना है, टॉपिक स्टडी सर्च करना है, आपको जो ऊपर लिंक मिलेगा उसको ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी, अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस आपको सर्च करना होगा सौरभ मलिक, SAURABHMALIK। ठीक है भाई, सौरभ मलिक आप फेसबुक पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे सौरभ मलिक बिना स्पेस के और लास्ट में 17 के ऐड कर दीजिएगा तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से टेस्ट के साथ में। और अगर आपको टेस्ट पसंद आता है तो टेस्ट को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट करके ज़रूर जाया करें। ठीक है, और इसी तरीके से लगातार टेस्ट लगाएंगे तो अच्छे से अच्छे आपकी जीके बन जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।